उसके बारे में जरा देखना जी, सीपीटी मार्कर दूसरा चाहिए जी। क्यूए बेटे इसमें है 50 क्वेश्चन आते हैं, इस 50 क्वेश्चंस के दो पार्ट, एक पार्ट है तुम्हारा मैथ्स और दूसरा पार्ट है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स। इसके 25 क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जरा देखोगे 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो एक दो क्वेश्चन अप डाउन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन आप इसको भी रख दीजिए, ज्यादा डार्क नहीं चल रहा ना, तो एक दो क्वेश्चन अप और डाउन। कल तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे थे कालका जी। बेटे कल मैं मेरी क्लास नहीं थी, कल मेरे क्लास है, फिर आज मैं पढ़ा रहा हूं, फिर कल पढ़ाऊंगा, फिर शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मैं क्लास लेता रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए है मैं आपका आंसर दूंगा जी, चिंता मत करो। इधर ध्यान देना जी, 25 क्वेश्चन इसका, 25 क्वेश्चन इसका। बेटे यहां पर है थ्योरी प्रैक्टिकल, यहां पर है थ्योरी प्रैक्टिकल, जरा देखोगे मैथ्स में थ्योरी बहुत कम क्वेश्चन होता है, मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है जी, मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा, लगभग सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ही होते हैं। इसका रेंज है वह 6 से 12 क्वेश्चंस अभी तक रहा है, और इसका जो रेंज है तुम्हारा 13 से 19 क्वेश्चंस का रेंज है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, ठीक है, 13 से 19 क्वेश्चन का प्रैक्टिकल का है। हाँ बेटे फरीदाबाद में तेरा सांस देख रहा हूं यार, कालका जी, आगरा, सत्य निकेतन, अलीगढ़, सबका देख रहा हूं, ठीक है जी। मैथ्स डिफिकल्ट है, किसने कहा कि मैथ्स डिफिकल्ट है जी, देखना पढ़ाने के बाद फिर मैं बताता हूं कि मैथ्स कैसे डिफिकल्ट है, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, अभी तक नहीं पढ़ा था अब पढ़ना शुरू करोगे, और मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। मैथ हमारा जान है, मैथ के अलावा हम जिंदा नहीं रह सकते बेटे, मैथ बहुत अच्छी चीज है, ठीक है खट्टक। अब जरा देखो बेटे, मैंने ये बताया रेंज, जरा ध्यान देना एक बात बताना जी, तुम्हारा सेकंड पेपर में यह है, और इस 50 क्वेश्चन के लिए एक घंटा समय मिलता है जी, 60 मिनट्स टाइम मिलता है, जरा बताना जी 60 मिनट्स में एक क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद उसको सोल्व करोगे, और सोल्व करने के बाद शेडिंग ऑफ ओवल बेटे, ओवल को आप शेडिंग करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर एक है और इसके चार ऑप्शंस दिए हुए, देखो बेटे देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, इस चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक करेक्ट होगा, बेटे हमें क्या करना है, इसको शेडिंग करना है। अगर सपोज करो कि एक करेक्ट है तो इसको हमें शेड करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शेडिंग करना पड़ेगा। जरा ध्यान देना जी, कोई क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, कम समय लगता है पढ़ने में, कोई क्वेश्चन है वह ज्यादा समय लगता है, एवरेज आप मानकर चलो कि रीड करने में 15 से लेकर के 20 सेकंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। अब जरा देखो शेडिंग करने में एवरेज 5 से 8 सेकंड का टाइम लगता है जी, ठीक है। अब जरा बताओ एक क्वेश्चन को आप बाकी समय में सोल्व करोगे, बताओ क्वेश्चन को सोल्व करने में एवरेज तुम्हें 35 सेकंड का टाइम मिलेगा, एवरेज में बोल रहा हूं कि अप डाउन हो सकता है, 35 सेकंड का टाइम मिलेगा। अब बताओ एक घंटा में तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं, और उस 50 क्वेश्चन में तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसके सोल्व भी करना है, और शेडिंग भी करनी है, एक मिनट में ही करनी है, सोच लीजिए कैसे होगा। अगर एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगाओगे तो बताओ, एक क्वेश्चन को 5 मिनट में लगाओगे तो बेटे पूरे एक घंटे में 12 क्वेश्चन होंगे, और नई जो आ रहा है पैटर्न, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मिनिमम 15 क्वेश्चन, 30% मतलब 15 क्वेश्चन सोल्व होनी चाहिए, हम तो पास ही नहीं करेंगे, हम तो फेल हो जाएंगे। तो बेटे ये तरीका को भूलना पड़ेगा, हम जो स्कूल में जिस तरीका से पढ़े थे वह तरीका को थोड़ा, भैया वो तो जरूरी है, वह हमारा बेस है, लेकिन हमारी नई तरीका होगा, और वो तरीका मैं आपको बताता हूं बेटे, वो तरीका हमारा होगा शॉर्टकट टेक्निक। हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम स्कूल के तरीका से अगर सोल्व करें
तो हमारा क्वेश्चन ही सोल्व ना हो। बस हमें क्वेश्चन कितना करना है, तो हमें करना है सभी क्वेश्चन। और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 40 to 45 मिनट्स के बीच में सारे क्वेश्चन को करके बैठ जाते हैं। रिवीजन करने के लिए उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है। इसलिए तुम्हें भी चिंता नहीं करना, और बहुत अच्छी तरह से विद इन टाइम सभी क्वेश्चन को कर लोगे। इसके लिए सो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा जी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, फास्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये तरीका मैं बताऊंगा, और जिससे तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे फास्ट तरीका से। वह मैथ्स क्यों नहीं हो, मैथ्स के अलावा स्टैट्स भी हो, उसमें भी फास्ट तरीका बताऊंगा। बहुत सारे तरीके बताएंगे जिससे तुम्हारा स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। अब जरा देखो सिलेबस के बारे में। बेटे तुम कहते हो सर मैथ बहुत डिफिकल्ट है, सीए करने वाले बच्चे नॉर्मली कहते हैं कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है। बेटे मत सोचो डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। मैं सीपीटी की सिलेबस पहले बताता हूं, देखो क्या है सीपीटी का सिलेबस, जरा ध्यान देना जी। सीपीटी का सिलेबस है, उसमें जरा दो सेक्शन मैंने लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में भी लिख दे क्या, इसको अनुपात और इसको समानुपात कहते हैं। अब जरा देखोगे शास्त्री नगर जयपुर क्या है जी बताओ, कहते हैं मैथ्स में कितने मार्क्स पासिंग है, मिनिमम 15 मार्क्स जी, 15 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की बात करो। अब जरा देखोगे रतलाम का भी नाम ले ले, अच्छा जी सभी का नाम लेंगे, आप शांत रहिए। करनाल कैलकुलेटर का नाम बता दो, अच्छा कैलकुलेटर का नाम बता देता हूं, ठीक है लिख लो नोट कर लो। सिटीजन सिटी 512, एक कैलकुलेटर ले लो। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है जी, तभी तो मैं बताता हूं, अदरवाइज कैलकुलेटर की क्या जरूरत थी। जब सीपीटी आया था उस समय बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं जितना भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वह सारा ट्रिक्स मेरा अपना रिसर्च है, हमने खुद रिसर्च किया है, किसी गाइड में हमें नहीं मिला है, हमने एक कहीं किसी गाइड से नहीं लिया है, किसी टीचर ने मुझे नहीं बताया। जो भी ट्रिक्स है वह हमारा अपना रिसर्च है, और वो ट्रिक्स से आप काफी इंजॉय करोगे। देखो मैं पढ़ाता हूं फिर बताता हूं। सर क्या 30% मार्क्स योग्योज का जरूरी है, बेटे अभी जरूरी नहीं है बट जरूरी होने वाला है, ठीक है। चेक और करेक्ट अलाउ है, हाँ भी चेक करें, जो मैं लिख रहा हूं वही कैलकुलेटर ले लो, और मैं जो भी ट्रिक्स बताऊंगा इसी कैलकुलेटर को बेस मानकर बताऊंगा, ठीक है। उस समय फिर प्रॉब्लम ना हो इसलिए कैलकुलेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मत ले लेना, दिक्कत होगी हमें बताने में, ठीक है। तो इसलिए है यही कैलकुलेटर ले लेना, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब जरा देखोगे बेटे, अब मैं आपको बताता हूं पहले रेशियो, ये रेशियो है क्या, जरा देखोगे बेटे रेशियो क्या है, जरा ध्यान देना जी। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, देखो दो क्वांटिटीज के हम कंपेयर करते हैं वही हमारा रेशियो बताता है, ठीक है। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे रेशियो। जरा ध्यान देना जी, जैसे a अपॉन b, इसी को लिखोगे a इज टू b, ठीक है। लेकिन इसको देखोगे, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और इसको कहते हैं कंसेक्वेंट। कंसेक्वेंट एंटीसीडेंट कंसेक्वेंट, एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट ये दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए बेटे, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट डिफरेंट होगा तो वह रेशियो नहीं है, यूनिट अगर डिफरेंट होगा तो रेशियो नहीं है। बेटे कालकाजी, मैं किसी से कैसे नाराज हो सकता हूं यार, तुम तो मेरे जान हो और फिर कहते हो कि नाराज हो क्यों सर। अरे नाराज किसकी बात कीजिए,
तो यह याद रखना जी, एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट डिफर करेगा तो वह रेशियो नहीं है, फिर वह फ्रैक्शन है। जरा ध्यान देना जी, जरा बता दो बेटे, बता दो, हमें बताना जरा, इधर ध्यान देना जी, हमें बताना। जैसे है 2/3, इसको 2:3 लिखोगे, लेकिन याद रखना इस दोनों का यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर केजी है तो यह भी केजी में ही होना चाहिए, तब मैं कहूंगा 2:3। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, दोनों केजी कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 2:3 होगा। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे 3 है, 3 केजी है और यहां पर है 2 मीटर है, बताओ 3:2, यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बताओ जी, ये करेक्ट रेशियो है कि इनकरेक्ट है? जल्दी से बोलो बेटे, जल्दी से बोलो, यह रेशियो जो भी हमने लिखा वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बेटे कटक और जिंद ने भेज दिया कि इनकरेक्ट है। आगरा, कैंप, बोकारो, पटना, भोपाल, स्वरूप नगर, पानीपत, हल्द्वानी, द्वारका, अम्बाला, कटक सभी बोलते हैं, भरतपुर, भिलाई, कालका जी, अजमेर, गुड़गांव, द्वारका, ये सभी भेजते हैं, जमशेदपुर, यह इनकरेक्ट है। बेटे इनकरेक्ट है, क्योंकि यह केजी वेट का यूनिट है और मीटर लेंथ का यूनिट है। यमुना नगर, रतलाम, बरेली, मुंबई, बेलापुर, शास्त्री नगर, जयपुर, अमृतसर, बेटे सभी का आंसर सही है। ठीक है जी, सतना, पानीपत, सभी का आंसर सही है। तो यह केजी जो है वह वेट का यूनिट है, हरिद्वार, और मीटर जो है तुम्हारा लेंथ का यूनिट है, इसलिए यह रेशियो नहीं हो सकता, नॉट रेशियो। ठीक है जी, यह रेशियो नहीं है, नॉट रेशियो, बेटे यह रेशियो नहीं है। ठीक है, रेशियो होने के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होनी चाहिए। जरा ध्यान देना जी, जरा एक फटाफट क्वेश्चन लिखो और आंसर बताना, जल्दी से आंसर बताना जी, क्वेश्चन नोट करते जाना, फास्ट क्वेश्चन नोट करना जी। द रेशियो ऑफ 2 मीटर एंड 150 सेंटीमीटर इज, फर्स्ट ऑप्शन 4:5, सेकेंड ऑप्शन 4:3, थर्ड ऑप्शन 2:1550 एंड लास्ट ऑप्शन नॉट ए रेशियो। जल्दी से भेजो बेटे, जल्दी से भेजो, भरतपुर, कालका जी, द्वारका, जमशेदपुर, भिलाई, अलवर, भरतपुर, ठीक है, अमृतसर, हल्द्वानी, संगरूर, जमशेदपुर, जनकपुरी, हरिद्वार, स्वरूप नगर, रतलाम, पानीपत, संगरूर, लखनऊ, भोपाल, आगरा, सबका आंसर एकदम ठीक आ रहा है जी। लेकिन बेटे एक बात तो बता दो हमको, जिंद तूने क्या आंसर भेज दिया यार, अरे सोच समझ करके आंसर भेजो मेरठ, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। अम्बाला ठीक नहीं है आंसर बेटे, रोहतक का आंसर ठीक नहीं है, ठीक है, इंदौर ठीक है, शास्त्री नगर बेटे, शास्त्री नगर ठीक है, इंदौर का ठीक है, जबलपुर का ठीक है, ग्वालियर बेटे नहीं जी, नहीं, कटक नहीं ठीक है जी, और बताओ जी बताओ, ठीक है जिंद का ठीक, एक बेटे जिंद, एक ने सही लिखा और दूसरा ने गलत कर दिया, जरा मार्कर बदलिएगा ब्लू वाला, ठीक है करो जी, गंगानगर का बेटे नहीं जी नहीं, अरे बताओ ना यार, मैंने तो तुम्हें बताया कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटे, ठीक है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब जरा बताओ, यह 2 मीटर मीटर लेंथ का यूनिट है और सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, दोनों तो लेंथ का यूनिट है, इसलिए रेशियो कैसे नहीं हो सकता? बेटे रेशियो हो सकता है। अब दूसरी बात सोचना पड़ेगा, क्या किसी को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जरा एक बात बताओ, ये 2 मीटर है जी, 2 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बेटे नीचे है तुम्हारा 150 सेंटीमीटर, अब यह भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो कैसे कहोगे कि ये रेशियो नहीं है? ये तो रेशियो होगा, अब बताना है कि रेशियो कौन होगा। तो बेटे कैंसिल कराओ, यह से कैंसिल हो गया, 5 से 2 हो गया, 5 से 3 हो गया, क्या आया जी, 4/3,
रेशियो हो गया बेटे 4:3, तो आंसर हो गया बेटे 4:3। देखो जी किसका किसका करेक्ट हुआ, जरा बताओ तुम लोगों का करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। देखो करेक्ट है जी, यह रेशियो हो गया जी, यह रेशियो हो गया ठीक। कुछ बच्चों ने गलत भेज रखा था बेटे, उसको ठीक कर लेना। अब जरा देखो मैं आपको बता रहा हूं कुछ बात। सतना कहता है कि सर मैं तो सही था, बहुत बढ़िया जी। कटक कहता है सर करेक्ट है। अंबाला कहता है यस सर करेक्ट है। चलो जी मुंबई बेलापुर कहता है कि हाँ सर ठीक है। अंबाला कहता है करेक्ट है। चलो बेटे करेक्ट है तो दूसरा क्वेश्चन नोट करो, जल्दी से नोट करना दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करोगे। इफ कंसेक्वेंट एंड एंटीसीडेंट ऑफ ए रेशियो आर 5 and 3 respectively, then the ratio is first option 5:3, second option 3:5, third option not a ratio, and last option none of these। जल्दी भेजो जी, जल्दी भेजो, आंसर क्या होगा वो जल्दी बता दो ठीक है बेटे, जल्दी बताओ। अरे लखनऊ ठीक है जी, बीकानेर भिलाई ठीक है, बीकानेर ठीक है बेटे, कटक का भी ठीक है, इंदौर का भी ठीक है, और बताओ गाजियाबाद व्हाट इज कंसिक्वेंट। अरे गाजियाबाद यार तुम था कहाँ जब मैंने पढ़ा, मैं बता रहा था रेशियो तब तुम कहाँ था। जमशेदपुर, रांची, रतलाम, हरिद्वार, कालकाजी, लक्ष्मी नगर, मुंबई बेलापुर, बेटे गलत हो गया। मुंबई थाने बताओ, मोहाली का एकदम ठीक है, भोपाल बेटे गलत हो गया, स्वरूप नगर का ठीक है, अजमेर गलत हो गया, रायपुर बेटे ठीक है, धनबाद का ठीक है, अमृतसर का ठीक है, मोहाली का ठीक है, अजमेर यार क्या कहते हो, साइंस गेटिंग, हाँ बेटे रांची साइंस चल रहा है आपका, बरेली हाँ जी बरेली बोलो, सिरसा का गलत हो गया बेटे, मुंबई बेलापुर, बेटे बताओ ना यार अभी तो तुम्हें बताया। सुनो मैं जो रेशियो बताया हूँ उस रेशियो में मैंने क्या बताया, एंटीसीडेंट, न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट कहते हैं और एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर को बेटे कंसेक्वेंट कहते, न्यूमरेटर को ऊपर वाले को एंटीसीडेंट और नीचे वाले को कंसेक्वेंट कहते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे कंसेक्वेंट 5 है, तो बेटे कंसेक्वेंट के जगह पर लिखोगे ना, एंटीसीडेंट 3 है तो एंटीसीडेंट के जगह पर लिखोगे ना, तो यह तो रेशियो तुम्हारा क्या हो गया 3:5 हो गया। और 3:5 कौन सा ऑप्शन में है जल्दी से बता दे यार, मैंने तो यहां पर गलती कर दिया था जी, ये बी है, तो यहां पर ए बी सी गलती में मेरे से लिखा गया था, तो इसको ठीक कर लोगे। अब बताओ जी इसका आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंदौर का सही था, हाँ बेटे सही था, बोकारो का भी सही था, स्वरूप नगर का भी सही था, जमशेदपुर का भी सही था, ठीक है बेटे सही था। अब जरा देखो मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, मी ऑल्सो रांची वाले कहते हैं सर हमारा भी सही था, हल्द्वानी कहते हैं सर हमारा भी सही था, हाँ बेटे तुम सबका सही था ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, जरा ध्यान देना बेटे जिंद, अब मैं आगे तो कुछ बताता हूँ, अपनी अपनी किताबें निकालिए, मेरी जो किताब है वह किताब निकालिए, खोलिए अपनी किताब और मैं आपको बता रहा हूं आगे। अब देखो रेशियो में अब हमें जानना है बेटे कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो, कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो,
इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियोज, सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है जरा बताइए कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो। जरा ध्यान देना, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ए इज टू बी इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 एंड बी इज टू सी इक्वल टू दिया हुआ है 4:5, तो कहता है ए इज टू सी की वैल्यू बताओ, ए इज टू सी की वैल्यू बताओ, यही हमें बताना है, ए इज टू सी की वैल्यू बताना है। जरा एक बात बताओ, कहता है जमशेदपुर, बेटे सारे के पास किताब नहीं है, अरे किताब तो जा चुकी होगी, ठीक है। अब जरा देखोगे तो जरा ध्यान देना, ए इज टू बी, मैं अपने से क्वेश्चन लिख देता हूं, पहले देखो ए इज टू बी की वैल्यू यह दिया हुआ है और बी इज टू सी की वैल्यू यह दिया हुआ है, यहां ए इज टू सी की वैल्यू निकालकर बताना है। जरा देखो बेटे, देखो इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको हटाना है, जो कॉमन रेशियो टर्म है उसको हटाना है। एक कैसे हटेगा, तो ऐसे हटेगा, ए अपॉन बी यह तो तुम्हारा 2:3 है और इंटू बी बाय सी करोगे या क्या होगा 4:5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, अब इसमें कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है, बताओ जी बताओ, कोई भी कैंसिल होने वाला है नहीं है, तो 2:4 हो गया बेटे 8 और ये हो गया 15, रेशियो हो गया बेटे 8:15, रेशियो हो गया बेटे 8:15। लुधियाना, सर एक्सप्लेन अगेन। बेटे मैं इसमें क्या कर दूं, हमारे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि आप ए इज टू बी की वैल्यू दिया हुआ है, बी इज टू सी की वैल्यू गिवेन है, हमें ए इज टू सी की वैल्यू निकालना है, इस दोनों रेशियो में जो कॉमन टर्म है उस टर्म को एलिमिनेट करना है, हटाना है। कैसे हटाओगे, तो बेटे इस रेशियो को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, बेटे दोनों बी जो है यह बी और यह बी कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा जी, ए अपॉन सी होगा ना, इसलिए रेशियो ए इज टू सी हो गया और ए इज टू सी की वैल्यू हमारा हो गया 8:15। ठीक है लुधियाना।